बढ़ रही है और जैसे टेक्नोलॉजी ना रही है, आपने इसके बारे में बताया तो कुछ गलतियाँ जो आप कुछ पॉइंट्स जो आपने मेन मेन बताएंगे? जी हाँ, देखिए टेक्नोलॉजी में हिंदी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। अब तक हम ये समझते थे कि हिंदी का प्रयोग कंप्यूटर पर कैसे हो या मोबाइल फ़ोन पर कैसे हो, वो अपने आप में हम ये मानते थे कि पूर्णता है, अगर उतना काम हो जाता है तो ठीक है, हमारा काम चल जाता है। लेकिन दुनिया बदल रही है बड़ी तेज़ी से, और दुनिया तेज़ी से बदल रही है उसके साथ ये अवसर नए नए आ रहे हैं, और उसके साथ भाषाओं को भी इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए एक अगले चरण में जाना है, एक अगले स्तर पर जाने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर जो नए नए नवोन्मेष हो रहे हैं, इनोवेशंस हो रहे हैं, वो कैसे भाषाओं में पहुँचें तकनीक के ज़रिए, इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो जब नवोन्मेष की बात करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में दो तीन बातें आती हैं, जैसे एक तो हुआ सोशल मीडिया, क्लाउड, मोबाइल और एनालिटिक्स, ये चार ऐसे क्षेत्र हैं जो उभर रहे हैं। क्या हमारी भाषाएं इन क्षेत्रों में भी बढ़ रही हैं या नहीं, ये एक प्रश्न पैदा होता है। दूसरी बात है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा जैसी चीज़ें आ रही है, क्या हमारी भाषाएँ उन क्षेत्रों के लिए भी प्रासंगिक हैं? तो उत्तर है हाँ, क्योंकि इस समय जो नवोन्मेष चल रहा है तकनीकी दुनिया में, उसमें हिंदी बड़ी प्रमुखता से आगे बढ़ रही है। आप देखेंगे कि कुछ ऐसे क्षेत्र आते हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा नहीं था, जैसे मशीन अनुवाद। आप जानते हैं मशीन अनुवाद अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में काफ़ी निरंतर बेहतर होता चला जा रहा है। दूसरा है ध्वनि प्रसंस्करण, यानी आपकी आवाज़ को पहचानना। कंप्यूटर आज आपकी आवाज़ को पहचानने में सक्षम है हिंदी भाषा में, और उसको आउटपुट करने में सक्षम है। उसके बाद विभिन्न भाषाओं के बीच में पारस्परिक ध्वनि आधारित अनुवाद, माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसी तकनीकें विकसित कर ली हैं कि आप एक भाषा में बोलते हैं और वो दूसरी भाषा में अनुवाद होकर सुनाई देता है। मिसाल के तौर पर माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर एक एप्लीकेशन है, अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप अंग्रेजी में बोलिए लेकिन आपको आउटपुट हिंदी में आएगा। इसी तरह आप उल्टा कर लीजिए, आप हिंदी में बोलिए, आउटपुट अंग्रेजी में आता है। तो आप समझ सकते हैं कि जब ऐसी परिस्थितियाँ पैदा होती हैं तो दूरियाँ समाप्त होती हैं। एक व्यक्ति के लिए जो अंग्रेजी नहीं जानता, अंग्रेजी जानना ज़रूरी नहीं है, अनिवार्यता नहीं है, क्योंकि वो अपनी भाषा में भी काम करे लेकिन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करे तो वो सक्षम हो जाता है, वो दूसरों तक पहुँच सकता है। उसके बाद कम्युनिकेशन आदि के क्षेत्रों में, सोशल मीडिया के क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में भारतीय भाषाएं आगे बढ़ रही हैं। और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर दिव्यांगों का क्षेत्र है, जो दिव्यांग हैं वो पहले ही एक तरह से वंचित हैं और उनकी परिस्थितियाँ बड़ी चुनौतीपूर्ण हैं, और लेकिन जो दिव्यांग अगर भारतीय भाषाओं से आता है तो उसकी स्थिति और भी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जितने भी टूल आदि आते हैं तकनीकी, वो प्रायः अंग्रेजी में रहते हैं। लेकिन अब हमने माइक्रोसॉफ्ट से इस तरह की शुरुआत की है कि दिव्यांगों के लिए भी जो हम सुविधाएं बनाते हैं वो भारतीय भाषाओं में भी हो, हिंदी में भी हो। जैसे आप देखेंगे विंडोज़ में नैरेटर आता है जो कि स्क्रीन पर होने वाली सारी गतिविधियों को पढ़कर सुनाता है आपको, यहाँ तक कि आपके दस्तावेजों को पढ़कर सुनाता है, और वो आज हिंदी में भी बात करता है। तो इस तरह से ये तमाम चीज़ें आ रही है। डिक्टेशन का हम अगर बात करें कि आप कंप्यूटर में बोलकर टाइप कब कर पाएंगे, तो जी आप आज ही कंप्यूटर में बोलकर टाइप कर सकते हैं, सिर्फ मोबाइल फ़ोन में ही नहीं, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी बोलकर हिंदी में टाइप कर सकते हैं आज। तो इस तरह की तमाम नई तकनीकें आ रही हैं जिनका प्रयोग आम लोगों को उठाना चाहिए। मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में काम तो बहुत हो रहा है लेकिन जागरूकता की थोड़ी कमी है, और उस संदर्भ में आपकी जैसी साइट जो है वो बड़ा योगदान दे सकती हैं, आपके जैसे वीडियो चैनल्स बड़ा योगदान दे सकते हैं, क्योंकि वो लोगों तक पहुँचते हैं और हमारी बात को वहाँ तक वो कन्वे करते हैं। बात करें कि तकनीक का जितना दखल हो रहा है उसके लिए क्या आपको नहीं लगता कि कंटेंट में कुछ गुणवत्ता में भी कमी आ रही है? देखिए जब प्रसार होता है, जब टेक्नोलॉजी और तमाम चीज़ें कंटेंट आदि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है, तो इसके दो पहलू होते हैं। एक तो ये समावेशी माहौल बना रहा है, इंक्लूसिव माहौल बना रहा है, जिसमें हर व्यक्ति को उसको एक टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन को ज्वाइन करने का मौका मिल रहा है और अपनी बात कहने का मौका मिल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि ये जो हमारा समाज जो टेक्नोलॉजी से जुड़ रहा है, अंततः ये हम सब के हमारे समाज को ही प्रतिबिंबित करता है, उसमें उतनी ही विविधता है, उसमें तमाम किस्म की आप सोचिए कि विशेषज्ञताओं वाले या विविधताओं वाले लोग हैं, जिनमें से तमाम लोग अगर उतने ही एक्सपर्ट हों ये ज़रूरी नहीं है, उतने ही विशेषज्ञ हों। तो अनेक लोग इसमें ऐसे भी हैं जो शायद अपनी बात को उतनी अच्छी तरह से नहीं कह पाते, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि ये एक समावेशी माहौल बन रहा है। और जब हम इंटरनेट जैसी चीज़ों की बात करते हैं तो उसमें तमाम तरह की सामग्री का होना लाजिमी है, क्योंकि इनका जो प्रधान उद्देश्य है इंटरनेट का या इंटरनेट आधारित सुविधाओं का, वो ये है कि लोगों को किस तरह से एम्पावर किया जाए, लोगों को किस तरह अपनी बात कहने का मौका दिया जाए, लोगों को किस तरह से सामग्री को कंज्यूम करने का मौका दिया जाए, ज्ञान किस तरह से लोगों तक पहुँचे, किस तरह से वो तकनीक का इस्तेमाल करके सक्षम बने, उसमें गुणवत्ता अपने आप में
एक महत्वपूर्ण मुद्दा तो है, लेकिन ज़्यादा बड़ी चीज़ है समावेशी होना, सबको एक साथ लाना और उनको टेक्नोलॉजी की ताकत मुहैया कराना। सर एक सवाल होता है, जैसे तकनीक का जितना इस्तेमाल लोगों की समझ में आ रहा है वो करते जा रहे हैं, और उसके बाद जिस तरीके से कंटेंट ऐसा आ रहा है कि उसको ट्रैक कर पाना मुश्किल हो रहा है कि ये सही है कि गलत है, और इतना मतलब एक तरीके से बाढ़ सी आई है इसको। जी हाँ, जैसे मिसाल के तौर पर फेक न्यूज़ है या लोगों के बारे में गलत टिप्पणियाँ करना और टिप्पणी करके गायब हो जाना, इस तरह की चीज़ें बढ़ रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी देखिए कि इन चीज़ों का समाधान करने के लिए भी प्रक्रियाएं शुरू हो गई हैं, शुरू नहीं हो गई है बल्कि काफ़ी आगे बढ़ गई है। माइक्रोसॉफ्ट ने भी सिक्योरिटी के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। आज आप अगर विंडोज़ को देखेंगे तो विंडोज़ में सिक्योरिटी इनबिल्ट आती है, यानी अगर स्पैम न्यू आपके पास मेल आती है या स्पैम की कोई भी सामग्री आती है तो विंडोज़ खुद ही उसको पहचानने में सक्षम है, वो खुद ही उसका समाधान करने में सक्षम है। इसके साथ जो अन्य संस्थान हैं सोशल मीडिया में जो सक्रिय हैं वो भी इस दिशा में काफ़ी काम कर रहे हैं, और शायद आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया के बड़े जो दिग्गज संस्थान हैं उन्होंने इस तरह के अपने डिविजन्स बनाए हैं जो कि इस तरह की कंटेंट को उसका रिव्यू करते हैं ऑटोमेटिकली या मैनुअली भी, और इस तरह के कंटेंट को रोकने की कोशिश करते हैं। तो ये कोशिशें ज़रूर चल रही हैं, अब कुछ समय में हो सकता है कि ये धीरे धीरे इनका प्रभाव आपको देखने को मिले और ये प्रवृत्तियाँ कम हो। लेकिन साथ ही साथ एक ज़रूरी बात यह है कि लोगों के बीच में जागरूकता भी आनी चाहिए, लोगों को खुद को एक आत्मनियंत्रण और एक आत्म नियमन बहुत ज़रूरी है इस संदर्भ में, क्योंकि हम एक इंटरनेट जैसे क्षेत्र में जाते हैं, सोशल मीडिया जैसे क्षेत्र का लाभ उठाते हैं, तो उसके साथ हमें थोड़ा सा डिसिप्लिन होने की भी ज़रूरत है। किसी भी चीज़ को हम इस्तेमाल करते हैं तो उसको एक सीमित दायरे में, उसको एक मर्यादा के दायरे में रहकर इस्तेमाल करना चाहिए, तो ये थोड़ी सी भावना हमारे अंदर से भी आनी चाहिए, इसकी भी हमें ज़रूरत है। धन्यवाद।